वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉयल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि है आपके टर्म में सॉयल टेक्सचर ओके इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शनल वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा सॉयल के बारे में कि व्हाट इज एक्चुअली द सॉयल व्हाट इज एक्चुअली द सोयल साइंस हु इज द फादर ऑफ सॉयल साइंस व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लाइक सॉयल साइंस द परसेंटेज ऑफ द कॉम्पोजिशंस तो ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल पर एक बार विजिट करिएगा ऑलरेडी यहाँ पर सिक्स सेमेस्टर जोआलॉजी के यूनिट वन एंड यूनिट टू तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं बॉटनी में यूनिट सेकेंड खत्म है यूनिट थर्ड आपका ये स्टार्ट हो चुका है ये सेकेंड वीडियो है ओके तो लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड आई होप कि आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट में कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप पूछ सकते हैं

तो आपको जेनवनली ये चीज़ जाननी है कि आपका जो मिट्टी है वो ऊपर से किस तरीके से दिखाई दे रहा है यही आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल अपीयरेंस आप देखते हो कोई किसी इंसान जो है वो बहुत अच्छा कपड़ा पहनता है तो आप बोलते हो यार फिजिकली फिट है कितना अच्छा है ये हाँ कपड़े हो गए उसकी मेनटेन बॉडी हो गई तो वो फिजिकली अपीयरेंस है आप जेनेटिक नहीं घुस रहे हो उसमें कि उसका सोल कैसा है आपने केवल फिजिकली उसे देख करके बोला कि येस ही और शी इज वेरी ब्यूटीफुल याडशम यह चीज़ बोला ना तो वैसे ही सॉयल भी होता है कि फिजिकली उसे देखना यह आपका क्या हो गया सॉयल का फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया कि आप कैसे उसे देख रहे हो और कैसे वो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज योर फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक है अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे हमें जानना सॉयल की फिजिकल प्रॉपर्टी हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे न क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब जो फसल उत्पादन है वो हमारे लिए कितना नेसेसरी है ये आपको बताना मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक हो जाएगा ना इजी है क्योंकि आपने बॉटी पढ़ी हुई है आपने इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पढ़े हुए हैं तो अगर क्रॉप नहीं होगा तो हम नहीं रहेंगे जब प्रोड्यूसर लाइक प्लांट नहीं होगा तो कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि सॉयल कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे प्लांट हमारे पौधों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होंगी हेल्पफुल होंगी तो हम उस हिसाब से सॉयल का क्या करेंगे चयन करेंगे उसी सॉइल में हम अपने प्लांट को लगाएंगे तो सॉयल की फिजिकल प्रॉपर्टी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें क्रॉप के प्रोडक्शन की सूटेबिलिटी बताता है क्या कि सूटेबिलिटी बताता है कि किस सॉयल में किस तरीके से कितने अच्छे तरीके से एक सॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो पाएगी उसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये डिपेंड करती हैं कि सॉयल के जो अंदर पार्टिकल्स हैं उनका अमाउंट कितना है कड़ों की मात्रा कितनी है उनका आकार क्या है उनकी व्यवस्था क्या है अरेंजमेंट क्या है उनमें कितना खनिज पदार्थ मतलब कि मिनरल uh, कॉम्पोजिशन है वो कितना प्रेजेंट है ये सब कुछ मिल करके आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताती है आपने हाथ में सॉयल लिया आप ये फील करोगे कि उसमें जो सॉयल पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े हैं क्या अमाउंट कितना है? बहुत ज़्यादा सॉयल पार्टिकल्स हैं क्या उनका सेप कैसा है जो कड़ है उनके सेप कैसे हैं वो कैसे एक दूसरे में चिपके हुए हैं दूर दूर है उनकी अरेंजमेंट क्या है उनमें मिनरल कॉम्पोजिशन कितना है ये सब कुछ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में जानने को मिलता है ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड करता है हमारे ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट पे एंड पोर स्पेसेस पे जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा और जितना ज़्यादा पोर स्पेस होगा उतना ही अच्छा हमारे प्लांट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलेगी लाइक पोर स्पेस इन द सेंस कि उसमें अच्छे से एयर चली जाए उसमें अच्छे से वाटर चला जाए लाइक इन जाएंगे मान लीजिए कि दिस इज द द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल ठीक है ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं ठीक अब इसमें आप देखोगे कि कितने सारे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं ठीक है ऑर्गेनिक मटेरियल कितना है क्योंकि इवेंचुअली जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वही हमारे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए उसके अलावा आप देखोगे कि इसमें पोर स्पेस कितना है अगर हम वाटर बाहर से वाटर हम डालते हैं तो क्या इस सॉयल में जाकर के वो वाटर रह सकता है जिसकी वजह से जो प्लांट हैं उनकी रूट इन वाटर को लेकर के ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं है ना ये सब देखना ज़रूरी होता है तो प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो कि हमारे प्लांट एंड ग्रोथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट और उस सॉयल में कितना पोर स्पेस है वो ठीक है तो कार्बोनिक पदार्थ की मात्रा और छिद्रों की जगह ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है ओके उसके अलावा ये जो प्लांट्स होते हैं ये सपोर्ट करते हैं ठीक है प्लांट सपोर्ट करते हैं हमारे जो सॉइल होते हैं उनका काम अभी आप देखिए यहाँ पर आपके साथ काम का ही डिस्कशन किया गया है कि प्लांट को सपोर्ट करना फिर रूट का जो पेनिट्रेशन होता है वो भी हमारे सॉइल में होता है ड्रेनेज होना एयरेशन होना रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर होना कि मॉइस्चर गया तो कितनी जल्दी से सॉइल फिर से उसको रिटेंट कर ले रहा है फिर से उसके पास मॉइस्चर आ जा रहा है प्लांट में कितना न्यूट्रिएंट जा पा रहा है ये सब कुछ लिंक्ड है हमारे सॉइल के फिजिकल कंडीशन से देखिए सबसे पहले कि आपको हम बताते सॉयल नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी क्योंकि सॉयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोड्यूसर दैट इज आवर प्लांट और आपने पढ़ाया अभी हमने इकोलॉजी पढ़ा के आपको हम आए हैं कि प्लांट कितना प्रोड्यूसर कितना जरूरी है ठीक है लेकिन प्लांट के लिए भी सबसे ज़्यादा जरूरी सॉयल होता है अब अगर सॉयल नहीं होगा अगर सॉयल नहीं होगा तो क्या प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी नहीं होगी तो इवेंचुअली सॉयल कर क्या रहा है हमारे प्लांट के लिए ये आपको जानना है तो सबसे पहले वो पौधों को सहारा देता है एक क्या कर रहा है नीचे बेस बना रहा है जिसपे पौधे क्या है आराम से खड़े हैं ठीक है मान लीजिए कि दिस इज़ द दॉयल ठीक है दिस इज़ द दॉयल अब यहाँ पर ये सॉयल क्या क्या करेगा एक प्लांट के लिए तो आप अभी इतना पढ़ लिए हो अब मान लीजिए ये रूट हो गया ठीक है ये आपकी लीव्स हो गई ओके अब हम फ्लावरिंग प्लांट नहीं बना रहे अब समझो जो ये ये जो प्लांट इस तरीके से खड़ा है वो किसके सहारा लेकर के खड़ा है किस पर खड़ा है भाई बेस क्या है उसका तो आपने बोला कि दीदी -दी, हमारा ये जो सॉयल है यही एक्चुअली बेस है तो हाँ भाई ये हो गया आपको कि प्लांट जो है वो सपोर्ट कर रहा है ठीक है ये प्लांट क्या कर रहा है प्लांट को सपोर्ट कर रहा है हमारा सॉयल रूट पेनिट्रेशन आप जब पेड़ में जो जड़ें होती हैं जो पौधों में जड़ें होती हैं वो कहाँ देखते हो पेनिट्रेट करते हुए कहाँ देखते हो नीचे आपके सॉयल में तो पेनिट्रेशन कहाँ हो रही है रूट की सॉयल में तो आपके रूट पेनिट्रेशन के लिए भी सॉयल हेल्प करता है ड्रेनेज ड्रेनेज मतलब कि आपका जो जल निकासी है जो जल है वो आपके सॉयल में होता है और यही जल एक्चुअली क्या होता है यही जल जो होता है ये प्लांट लेते हैं है ना यही जल प्लांट लेते हैं और ट्रांसलोकेशन करते हैं आ, सारे मिनरल्स का वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं यही सब तो होता है तो ड्रेनेज में भी हेल्प करता है फिर एयरेशन इस प्लांट में हमने आप हमने आपको पढ़ाया था जहाँ हमने कॉम्पोजिशन पढ़ाया था कि ट्वेंटी परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है है ना कि 25 परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है 25 परसेंट एयर प्रेजेंट होता है 5 परसेंट ऑर्गैनिक मैटर प्रेजेंट होता है फोर्टी फाइव परसेंट हमारे मिनरल जो न्यूट्रिएंट्स हैं मैटर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो एयर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है फिर रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर कि ये सॉयल में ना कभी भी नमी की कमी नहीं हो सकती है आप अगर पानी डालते रहोगे तो नमी की कमी नहीं होगी तो रिटेंशन कर लेता है मॉइस्चर का जो कि इवेंचुअली हमारे प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा जरूरी है और इसी सॉयल में बिकॉज की ह्यूमस भी प्रेजेंट है बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट है लाइक सिलिकेट कार्बोनेट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो ये हमारे प्लांट को क्या करते हैं न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते हैं और यह न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको सॉइल का काम पता चला कि क्यों इंपॉर्टेंट है उसके अलावा सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि हमारे सॉयल में देखी जाती है वो है सॉयल टेक्स्चर सॉइल स्ट्रक्चर सॉइल डेंसिटी सॉयल पोरोसिटी सॉयल कलर सॉयल कंसिस्टेंस एंड सॉयल वाटर जिसमें हम सॉयल टेक्स्चर के बारे में आज पढ़ेंगे देखिए सोयल टेक्सचर जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है ये रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है किसका प्रोपोर्शन होता है ये रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है डिफरेंट टाइप के आपके सॉयल पार्टिकल्स के जैसे कि सैंड स्लिट एंड क्ले इनका प्रोपोर्शन किस हिसाब से है वो आपके सॉयल टेक्सचर को डिफाइन करता है ठीक है और टू मिलीमीटर से जो पार्टिकल्स कम होते हैं छोटे होते हैं ठीक बनावट है वो दो मिलीमीटर व्यास से नीचे जितने भी आपके लाइक पार्टिकल्स हैं जैसे कि रेत हो गया गाद हो गया मिट्टी हो गया मतलब सैंड स्लिट एंड क्ले हो गया यही डिफाइन करते हैं सॉयल के टेक्सचर को ठीक है कि सॉयल का टेक्सचर कैसा है उसकी बनावट कैसी है ठीक है अब देखिए जो थ्री क्लासेज हैं पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट वो क्या क्या है सैंड है स्लिट है एंड क्ले है हम आपसे क्या बोल रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुनिए कि सॉयल के फिजिकल प्रॉपर्टीज में वन ऑफ द प्रॉपर्टी है सॉयल टेक्सचर ये सॉयल टेक्सचर क्या है ना इस सॉयल टेक्सचर में हम कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली सॉयल टेक्सचर बनावट क्या है मिट्टी की तो बनावट आप ऐसे डिफाइन करते हो कि उस मिट्टी में आपने कोई हाथ में मिट्टी ली उस मिट्टी में कितना सैंड है कितना स्लिट है और कितना क्ले है ये तीन चीज किस प्रपोर्शन में प्रेजेंट है ये आपको सॉयल टेक्सचर बताता है ठीक है अब सैंड क्या होता है तो सैंड आपके दिमाग में आना चाहिए जब भी हम रेत बोलेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बीच पे जो बीच होती हैं समुद्री तट होते हैं वहाँ पर जो रेत होती है ना वैसा आपको रेत आ, उसी पार्टिकल के साइज़ का रेत आपको दिखाई देगा सेकेंड स्लिट स्लिट क्या होता है आपने टालकम पाउडर लगाया कभी आपको इमेज दिख रहा होगा तो इस वाले इस कंसिस्टेंसी में आपको दिखाई देगा आपके स्लिट और क्ले क्या होते हैं कि सम पार्टिकल्स जो कि एक दूसरे में चिपक जाते हैं वो बन जाते हैं क्ले ठीक है आप सॉयल के ही कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे में चिपक जाएंगे और वो बन जाएंगे क्ले तो रेत स्लिट और मिट्टी जैसे कि स्लिट को आप गाद भी बोलते हो तो ये तीन मिलकर के क्या बना रहे हैं आपके सॉयल टेक्स्र डिफाइन कर रहे हैं अब हमें इस टेक्स्चर को जानना जरूरी है है ना बहुत जल्दी तो नहीं चल रहे हैं देखिए हमने क्या बोला बोला कि सॉयल टेक्सचर जो है वो तीन क्लासेस पे डिपेंड करती है अब ये तीन क्लासेस क्या है ये तीन क्लासेस एक प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होना चाहिए कोई एक अगर अधिक हो गया तो कोई और टेक्सचर दिखाई देगा कुछ एक दूसरा अधिक हो गया तो कोई और टेक्स्चर दिखाई देगा तो इन तीन क्लासेज में क्या क्या आ रही है सैंड ठीक है स्लिट एंड क्ले सैंड अगर आपको अपने दिमाग में जाना है विजुअलाइज करना है तो आपको केवल से केवल बीच जो समुद्री तट है वहाँ का विजुअलाइजेशन करना है कि उस तरीके से सैंड आपको दिखाई देती है रेत दिखाई देती है स्लिट आपको टालकम पाउडर जो होता है उस तरीके से दिखाई देते हैं ना ज़्यादा पार्टिकल्स मोटे होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं बहुत मतलब एक एक होता है दरदरापन वाला जो सिस्टम होता है ना वो हमारे स्लिट में दिखाई देता है और क्ले जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे में चिपक जाते हैं कैसे चिपकेंगे जब थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा वाटर आ जाएगा तो वो चिपक जाएंगे और फिर वो क्ले बना लेंगे तो इन ती ये तीनों ही क्या डिफाइन करते हैं हमारे सॉयल के टेक्स्चर को डिफाइन करते हैं हमारे सॉयल की बनावट को डिफाइन करते हैं कि कैसे हमारा सॉयल बना हुआ है ठीक है Uh, अब उसके बाद देखिए ये बनावट हमारे लिए क्यों uh, क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें इसे यूज करना है अपने क्रॉप प्रोडक्शन में देखिए अब ये जो डेटर्मिनेशन होता है सॉयल के पार्टिकल का जो कि सैंड स्लिट एंड क्ले है ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में किसकी कि, किसको समझने में हेल्प कर रहा है अगर हमें पता चल जाए कि सैंड स्लिट एंड क्ले का uh, क्या वेरियस साइज पार्टिकल्स मतलब जो है का हमें पता चल जाए सॉयल में तो ये हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज बताएंगी सॉइल की कि उस सॉयल में वाटर रिटेंशन कितना है ठीक है जल प्रतिधारण कितना है कीटायन कि एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है कीटायन कि विनियम क्षमता कितना है उसमें सोयल वर्केबिलिटी कितनी है कि मिट्टी कितना कार्यशीलता है मिट्टी की कार्यशीलता का पता चलेगा एंड इरोडिबिट इरोडिबिलिटी मतलब कि क्षरण ये चीज़ आपको पता चलेगा तो अगर आपको देखिए हमने आपको ऊपर से लेकर बहुत कुछ पढ़ा दिया कि सॉयल टेक्सचर है सॉयल टेक्सचर का हमने बताया कॉम्पोजिशन कि क्या क्या मिलकर के मिल करके, किस प्रोपोर्शन में आप देखते हो कि सॉयल टेक्सचर आपको पता चलता है कैसे फिर अगर सॉयल टेक्सचर पता ही चल गया इन ये जितने सैंड स्लिट क्ले हैं इनका पता चल गया तो हम क्या करेंगे जान के हम जान के ये करेंगे कि हमें ये पता चलेगा उस सॉइल के बारे में कि सॉयल में वाटर रिटेंशन कितना है पानी जो है उसका प्रतिधरण कितना है मतलब वाटर अगर लूज हो जाए तो फिर से कितनी अच्छे से रिटेंट कर ले रहा है उसके पास कैपेसिटी कितनी है वाटर होल्डिंग करने की फिर किटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है उसके पास सॉयल वर्केबिलिटी उसकी कार्यशीलता कितनी है इरोटिबिलिटी छरण कितना है ये सब कुछ जान पाएंगे हम इसीलिए हमें सॉयल टेक्सचर जानना जरूरी होता है ठीक है इसीलिए सॉयल टेक्सचर एक अलग सेक्शन है आपके सॉयल साइंस का ओके अब जो सॉयल पार्टिकल के इंफॉमेसन साइज़ की इंफॉर्मेशन मिल रही है ये मोस्ट तो इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि इनके वजह से हम न्यूट्रिएंट का पता लगा पाते हैं वाटर मैनेजमेंट अच्छे से मतलब सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं जब हमें पता चल जाता है कि सॉयल का पार्टिकल का साइज कितना है मतलब कि सॉयल की टेक्स्चर क्या है सॉइल की बनावट क्या है मिट्टी की बनावट क्या है ठीक है तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कैसे जान सकते हैं हम कुछ मैथड्स होते हैं जैसे कि आप टेक्स्चुरल एनालिसिस कर सकते हो सॉयल का टेक्स्चुरस सॉयल की जो तो बनावट होती है उसको विशेष तो 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 तौर पे आप तीन तरीके से पता लगा सकते हो रैपिड फील मैथड मतलब ब्लैक मिट्टी है कुछ पार्टिकल्स कैसे हैं काफी दरदरे हैं कैसे हैं ये सब कुछ आप रैपिड फील कर सकते हो महसूस करके अपने हाथों से आप उसका पता लगा सकते हो उसके बाद दूसरा है हाइड्रोमीटर मैथड एंड थर्ड है इंटरनेशनल पीपेड मैथड तो आपसे ये आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आपसे बोला जाए कि टेक्सचरल एनालिसिस ठीक है मान लीजिए कि यहां पर आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं ठीक है कि टेक्सचरल एनालिसिस ऑफ टेक्सचरल एनालिसिस ऑफ सॉयल इज डन बाय ठीक है अब आपके पास फोर ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी एन टी तो तीन तो इसमें मान लीजिए रैंडम कोई भी होगा और जो आपका बीच में एक आंसर छुपा होगा वो इन तीनों में से होगा या तो रैपिड फील मैथड दिया होगा या फिर आप देखोगे कि हाइड्रोमीटर मैथड दिया होगा या फिर आप देखोगे इंटरनेशनल पीपेड मैथड दिया होगा तो आपको उस पर टिक लगा करके आना है तो इस तरीके से आपसे एम में इस क्वेश्चन को पुटअप किया जा सकता है तो आपको जानना जरूरी है कि सॉयल की टेक्सचर सॉयल की बनावट को हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं पहले तो तुरंत महसूस करके सॉयल को हाथ में उठाए महसूस कर लिए दूसरा प्रोसेस है हाइड्रोमीटर मैथड एंड तीसरा है इंटरनेशनल प्रीपेड मैथड के लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन इसी वक्त आपने सॉयल साइंस पढ़ा एंड आपका मन किया कि चलिए मम्मी हम ना हमें प्लांट लगाना है हमने सॉयल साइंस बहुत अच्छा पढ़ लिया दीदी से अब हमें अपने सॉयल में प्लांट लगाना है ठीक है आपकी मम्मी मान गई उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बेटा हम लोग प्लांट को लगाते हैं प्लांटिंग करते हैं आज ठीक है आप गए और आपने प्लांट खरीद करके आप ले करके आए अब दिक्कत ये हुई कि प्लांट तो आपने खरीद लिया बट वॉट अबाउट द सॉयल जो कि मेन इंपॉर्टेंट थिंग है तो आप क्या किए सॉयल के लिए अपनी मम्मी से बोले तो आपकी मम्मी जब अपने फील्ड में जहाँ उन्हों उन्हें प्लांट लगाना था वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि जो सॉयल है वो एक्चुअली में थोड़ी सी बलुई है ठीक है उन्होंने क्या बोला कि बेटा ये तो बलुई मिट्टी है यार इसमें कैसे लगाएंगे हम लोग तो आपके दिमाग में आया कि मम्मी ने कैसे पता लगा लिया यार कि ये बलुई मिट्टी है इसमें प्लांट नहीं लग सकता है ये आएगा ना दिमाग में कैसे पता लगा लिया मम्मी ने तो कोई हाइड्रोमीटर मेथड भी नहीं यूज़ किया कोई इंटरनेशनल पीपीएड मैथड नहीं यूज़ किया तो कैसे पता लगा लिया बहुत इंस्टेंट पता लगा लिया तो मम्मी ने किसका यूज़ किया रैपिड फील मैथड का ठीक है तो रैपिड फील मैथड बहुत ही ट्रेडिशनल मैथड है जो कि बहुत ही पहले से जब आप लोग पैदा भी नहीं होंगे हम भी नहीं पैदा हुए होंगे तब से ये चलता आ रहा है एंड दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वे जिससे कि आप सोयल टेक्स्चर का पता लगा सकते हो जैसे आपकी मम्मी ने लगा लिया ठीक है तो ये ईजिएस्ट वे होता है इसी वजह से हम इसके बारे में पढ़ेंगे एंड हम बता दें कि ये दो मेथड हाइड्रोमीटर मेथड एंड इंटरनेशनल प्रीपेड मेथड ये करने के लिए आपको लेबोरेटरी जाना होगा अब आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर के तो सॉयल टेक्सचर का पता नहीं लगाओगे अगर अभी आपको प्लांट लगाना हो कि मम्मी रुको हम 50 किलोमीटर पहले अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते हैं फिर वहाँ से पता लगा के आते हैं कि ये सॉयल जो है ये बढ़िया है या नहीं इसका टेक्स्चर बढ़िया है या नहीं तो आपकी मम्मी ने इंस्टेंट लगा लिया तो फील मेथड जो है दिस इज द मोस्ट ईजियस्ट वे द पॉपुलर वे एंड यू कैन से द मोस्ट क्रूशियल आपका ये मेथड होता है जैसे कि आप सॉयल टेक्सचर का पता लगा लेते हो तो हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वॉट इज एक्चुअली द रैपिड फील मैथड ओके रैपिड फील मेथड की बात करते हैं कि सॉयल टेक्सचर को हम कैसे मिट्टी की जो बनावट है उसको हम कैसे बहुत ही आसानी से केवल छू करके फील करके पता लगा सकते हैं देखिए सबसे पहले ये जो मैथड होता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़ वेरी कॉमन फील्ड मैथड जिससे कि हम टेक्स्चरल क्लास मतलब कि मिट्टी के बनावट जो वर्ग होता है उसे हम केवल महसूस करके क्या कर सकते हैं फील करके उसे हम बता सकते हैं अपने अनुभव के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं इसे बता सकते हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल ग्रेट प्रैक्टिकल वैल्यू होता है और एक ये स्किल होती है एक्सपीरियंस होती है हमारे वर्कर्स के अंदर अब आपकी मम्मी ने ना अपने हाथ में वो सॉयल लिया हुआ है तो मम्मी ने पहली बार जाके प्लांटिंग नहीं की है मम्मी ने हो सकता है कि पचास साठ बार प्लांटिंग की होगी तो उनका एक अनुभव बन चुका है ठीक है उस हिसाब से उन्होंने छुआ और बता दिया तो सोचो अगर आपकी मम्मी बता सकती है तो जो दिन रात सॉयल का काम कर रहे हैं जो दिन रात एग्रीकल्चर में लगे पड़े हैं और जो दिन रात मिट्टी की ही हर से 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 पूरी तरीके से मिट्टी से घिरे हुए हैं, उनका अनुभव आप सोच लो कि कितना होगा। उन्हें तो किसी की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो सॉयल का टेक्स्चर जानना होता है ना ये भी एक एक्सपीरियंस्ड बेस होता है कि आपने कितने, तरह, कितने बार प्लांटिंग की है आपका एक्सपीरियंस क्या है एक स्किल होती है ठीक है आप समझ लो कि ये एक तरीके की एक अनोखी स्किल होती है जो हमारे मम्मी में आती है अब आप भी दस बार लगा लोगे ना तो आप देखना कितने चौड़ में बोलोगे कि अरे ग्यारहवीं बार ना कि भाई ये तो बलुई मिट्टी है यार इसमें नहीं लगेगा तुम क्यों लगा रहे हो हाँ, तो ये जो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है जो हमारा फील मेथड होता है ये एक्सपीरियंस बेस्ड होता है आप तुरंत पता नहीं लगा पाओगे एक्सपीरियंस वाइज आपको चीजें पता चलती हैं क्या किस प्रिंसिपल पे ये डेटामाइन होता है देखिए तो दिस प्रिंस रिस्पॉन्सिबल होता है सॉयल टेक्सचर को जानने के लिए इस मेथड के अकॉर्डिंग वो ये होता है कि सॉयल कंपोनेंट इसमें कितने ज़्यादा प्रेजेंट हैं ठीक है इस पद्धति द्वारा मिट्टी की बनावट के निर्धारण में अंतर्निहित सिद्धांत उन गुणों पर आधारित है जो मिट्टी के घटक प्रदर्शित करते हैं ठीक है उसके अलावा जो हमारा कैसे हम पता लगाएंगे केवल फील करके क्या क्या भाई कौन कौन से घटक इसमें है देख लो दे आर बींग डिस्क्राइब्ड बिलो ऐसे आप पता लगा सकते हो क्ले क्ले के जो पार्टिकल का साइज़ होना चाहिए वो जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू मिली के डायमीटर से कम होना चाहिए ये कॉन्फर्स करता है कोहेजन स्टिकनेस एंड प्लास्टिसिटी टू तो द बॉल एंड इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंट टू तो डिफॉर्मेशन तो हमने आपको पढ़ाया कि सॉयल टेक्सचर में चार पांच चीज़ें हैं जो आपको बहुत जानना जरूरी है तो आपकी मम्मी ने कैसे पता लगा लिया क्ले आपकी मम्मी ने हाथ में उठाया सॉयल और उसका क्ले देखा उसको देखा कि अच्छा इसमें तो ये जो मिट्टी है वो चिपक रही है कोहेशन दिखा रही है स्टिकनेस इसमें, प्लास्टिसिटी है मतलब कि जिस तरीके से हम सॉयल को मोड़ना चाह रहे हैं तोड़ना चाह रहे हैं वो टूट रहा है मतलब कि दिस इज बेस्ट ओके तो क्ले वाला जो सिस्टम है अगर वो होता है तो प्लांट के लिए वो जो सॉयल है उसे बढ़िया माना जाता है ठीक है फिर स्लिट स्लिट का साइज बिटवीन 0.02 एंड 0.002 मिलीमीटर इन डायमीटर में होना चाहिए अब आप ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मम्मी ने तो कोई स्केल यूज़ नहीं किया यार कैसे डायमीटर का पता लगा लिया बाबा हमने बोला ना कि एक्सपीरियंस पे मैटर करता है कि मम्मी ने पचास बार उस सॉयल को छुआ होगा इस वजह से उन्हें पता चल जा रहा है कि अच्छा ये तो छोटू है ये बड़ा है ये सब चीज़ें पता चल जा रहा है ठीक है तो ये कन्फर्म करता है कि स्मूथीनेस ठीक है कि ये हमारे प्लांट को कितनी अच्छे तरीके से स्मूथीनेस प्रोवाइड करेगा सैंड ऐसे पार्टिकल जो कि 0.02 से 2 mm मिलीमीटर डायमीटर्स में होते हैं ये ग्रिटीनेस सैंड होना भी ज़रूरी है क्योंकि वाटर होल्ड कर लेता है कभी कभी सैंड तो थोड़े थोड़े सैंड के पार्टिकल ज़रूरी है बहुत ज़्यादा नहीं लाइक like, होता है ना पाँच छः पाँच छः तो हम बहुत कम बोल रहे हैं मतलब एक होता है ना प्रोपोर्शन में सैंड भी थोड़ा सा जरूरी है बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा जरूरी होता है कि हमारे सॉइल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए फिर ऑर्गेनिक मैटर्स जो कि हमारे को प्रोवाइड करते हैं सैंडी टेक्स्र ग्री आ, ग्रीसीनेस फिर क्लेई टेक्स्चर प्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट थिक रिबन्स टू फॉर्म द बॉल ठीक है आई डोंट नो बाय यहाँ पर आपके बॉल्स लिखे हुए हैं बट या ठीक है आप देख लो कि बॉल इज वॉट वेट, आई थिंक यस आई नो जो बॉल है वो एक्चुअली में आपके इस सॉयल के बॉल को बता रहा है लाइक like, आप अपने हाथ में जब सॉयल लेते हो तो कुछ इस तरीके से मुट्ठी में उस सॉयल का बॉल बना लेते हो तो जब ये बॉल बन जाती है बन जाता है सॉयल का तो सब कुछ उसके परसेप्शन में लिखा हुआ है क्ले स्लेट सैंड एंड ऑर्गेनिक मैटर तो सबके आप देख रहे हो कि डायमीटर्स के साइज भी लिखे हुए हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आप इसे नोट्स बना लीजिएगा ये है हमारे हिंदी वाले बच्चों के लिए जिन्हें हिंदी में अपने नोट्स बनाने हैं तो सेम चीज़ है मिट्टी गाद वेत एंड कार्बोनिक पदार्थ रेतीली इन सब के बीच में जितना कुछ भी है जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हिंदी में प्रेजेंट है तो आप इसका स्क्रीन ले लीजिए एंड डेट्स ऑल अबाउट द टू डेज वीडियो डट्स ऑल अबाउट द सॉयल टेक्स्चर आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या इसके बाद हम सॉयल प्रोफाइल पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद सॉयल वैदरिंग पढ़ेंगे एंड उसके बाद एक और वीडियो आएगी देन आपका ये यूनिट भी खत्म हो जाएगा तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बाय टेक केयर बी हैप्पी बो बाय